Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो पहली बात, नया वीकेंड, और हर वीकेंड में कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने की. हर वीकेंड तो नहीं हो पाता, पर एटलीस्ट आई ट्राई कि मंथ में एक दो वीडियोज़ तो दे ही दूँ. तो चलिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS की बेंच पॉलिसी के बारे में. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. ओके, तो आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने TCS नया नया ज्वाइन किया था, तो मुझसे कोई पूछता था कि तुम बेंच में हो क्या, तो मुझे बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आता था कि बेंच होता क्या है. तो मेरे जैसे जो फ्रेशर हैं, जो फ्रेशर थे, या जिनको पता नहीं है बेंच के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूजुअली एम्प्लॉयज़ के दो ही फेज़ होते हैं, या तो वो किसी प्रोजेक्ट में एलोकेटेड होते हैं या वो अनएलोकेटेड रहते हैं. तो एलोकेटेड होने के फ़ायदे ये हैं कि आप लोगों को लर्निंग होती है आपकी, आप किसी प्रोजेक्ट में सर्व कर रहे होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप TCS के लिए रेवेन्यू अर्न कर रहे होते हो, क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर होते हैं, आपकी एक बिलिंग हो रही होती है. और जो है अनएलोकेटेड लोग, वो किसी भी प्रोजेक्ट में टैग नहीं होते, और बेसिकली वो रिपोर्ट करते हैं एक HR को, और उस HR का नाम है RMG, रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप. ठीक है, तो वो एक लाइबिलिटी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि कोई आप रेवेन्यू तो अर्न नहीं कर रहे, तो उससे क्या हो रहा है, उससे जो कंपनी का खुद का पैसा है वो उससे आपकी सैलरी पे कर रहे हैं. ठीक है, तो इन अ वे कंपनी नेगेटिव में जा रही है, क्योंकि वो आपकी सैलरी अपने ही पैसों से पे कर रही है, कोई भी आप प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो. तो बेसिकली ये हो गया एक बेंच. और लोग मुझसे पूछते हैं कि बेंच टाइम कितना हो सकता है किसी के भी लिए. तो देखो, मैं बताता हूँ, मैंने अपने टेन्योर में TCS में एक बंदे को देखा है जो कि 8 महीने से बेंच में था. ठीक है, और मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि एक प्रोजेक्ट से रिलीज़ होते हैं और विद इन 1 वीक वो दूसरे प्रोजेक्ट में भी एलोकेट हो जाते हैं. तो ऐसे कोई एक पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है कैलकुलेट करने का कि आप कितना टाइम बेंच में रह सकते हो, कितना टाइम बेंच में नहीं रह सकते. पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी आप बेंच से हट जाइए, जितना जल्दी आप एलोकेट हो जाओ, तो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा. क्योंकि इसके भी मैं 2-3 पॉइंट्स में उसको डिवाइड करना चाहूँगा कि क्यों अच्छा रहेगा आपके लिए. ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आपने TCS ज्वाइन किया है काम करने के लिए. ठीक है, खाली बैठने के लिए तो नहीं किया. और जैसे जैसे आपका बेंच जो है वो भी आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में तो काउंट हो ही रहा है, तो आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आपका जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कम होगा अगर आप ज़्यादा टाइम बेंच पे रहोगे तो. ठीक है, तो एक ये नेगेटिव हो जाएगा कि अगर आप कभी फ्यूचर में आप इंटरव्यू दो तो आपके पास बोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप तो यार बेंच में मज़े ले रहे थे. ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया. सेकंड पॉइंट ये है कि दो सैलरी आपको मिलती है, जैसे कि आपको पता है हर सैलरी कॉम्पोनेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक है फिक्स्ड सैलरी और एक है वेरिएबल सैलरी. तो आपको फिक्स्ड सैलरी तो मिलती है, जो कि आपकी HRA हो गया, आपका फिक्स्ड कंपोनेंट हो गया, बेसिक सैलरी हो गया, और एक दो अलाउंस और आपको मिलेंगे. पर जैसे कि आपको पता है TCS की जो TCS की सैलरी होती है उसमें एक मेजर कंपोनेंट वेरिएबल पे का होता है, और वेरिएबल पे दो तरह के होते हैं. एक तो है क्वार्टरली वेरिएबल पे, जो आपको हर एक क्वार्टर में मिलता है जब भी आप TCS अपना फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट अनाउंस करता है. ठीक है, और दूसरा जो हो गया वो हो गया आपका परफॉर्मेंस पे. तो ये इसके लिए आप तभी एलिजिबल रहते हैं जब आप किसी प्रोजेक्ट में होते हैं. जाहिर सी बात है, अगर किसी आप प्रोजेक्ट में परफॉर्म ही नहीं कर रहे तो आपको परफॉर्मेंस पे क्या मिलेगा. ठीक है, तो दूसरी बात ये हो गई. और तीसरी बात ये हो गई कि बेंच पीरियड एक ऐसा पीरियड है कि शुरुआत में एम्प्लॉय तो बहुत ही ज़्यादा एक इन्जॉय करता है. वो बोलता है यार खाली हूँ, फ्री की सैलरी मिल रही है तो और क्या चाहिए. ठीक है, इन्जॉय करता है, वो कैफेटेरिया में बैठा रहता है, अपने दोस्तों के साथ चिट चैटिंग करता है, जब मर्ज़ी आए ऑफिस आता है, जब मर्ज़ी आए ऑफिस चला जाता है. तो देखो, खाली रहना एक हद तक ही अच्छा होता है, उसके बाद ना आपको वो अंदर से चुभने लगती हैं चीज़ें, जब आप देखते हो कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, या जो भी आपके कलीग्स हैं जो आपके साथ रिलीज़ हुए होंगे वो किसी और प्रोजेक्ट में रह के किसी के ऑनसाइट की अपॉर्चुनिटी लगने के भी चांसेस रहते हैं, पर आप क्या कर रहे हो, आप वही आ रहे हो RMG को अपना मुंह दिखा रहे हो और चले जा रहे हो. तो इससे आपका भी फ़ायदा नहीं है. ठीक है, तो इसलिए जितनी जल्दी आप बेंच पीरियड को ओवरकम कर सके उतना ही अच्छा रहेगा. तो ये रही कि बेंच ख़राब क्यों है. ठीक है, और बेंच अच्छा क्यों है उसकी मैं आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ. पहली बात यह कि आप थोड़ा
अपने माइंड को और अपने जो भी आपको प्रोजेक्ट से मेंटल प्रेशर हुआ होता है उसको आप रिलीज़ कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपको थोड़ा एक मी टाइम मिल जाता है, क्योंकि कभी कभार प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो रखे होते हैं, तो इस वजह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कुछ दिन अपने घर जाइए अगर आप घर से दूर रह रहे हैं, अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए और फिर आप वापस आ जाइए। इसके लिए एक बेंच पीरियड बहुत ही अच्छा है। और सेकंड है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप कैट की तैयारी कर रहे हैं या तो आप किसी भी जॉब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप डेडिकेटली उसकी तैयारी में लग सकते हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। टीसीएस के अंदर लाइब्रेरीज़ होती हैं, तो आप आराम से सुबह आओ 9 बजे और आप आराम से 7-8 बजे जाओ, एसी में पढ़ो, आपको बुक्स भी मिलेगी, कोई आपको रोक टोक भी नहीं करेगा, ठीक है। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया। और तीसरा फ़ायदा ये हो गया, जो आईटी की टूअर्स डेडिकेटेड हैं वो किसी भी सर्टिफिकेशंस को क्रैक कर सकते हैं इस नोटिस पीरियड में, क्योंकि आपके पास टाइम तो बहुत होता है, आप अपने अपस्किलिंग में हेल्प कर सकते हैं खुद की, और आपके पास दुनिया जहान के जो पोर्टल्स हैं उसका एक्सेस तो टीसीएस ने दे ही रखा है। जैसे आपको लिंक्डइन लर्निंग का एक्सेस होता है, आपको यूडेमी का एक्सेस होता है, टीसीएस का इंटरनल आई वॉल्व का एक्सेस होता है, फ्रेस्को प्ले का एक्सेस होता है, तो यू नेम इट, आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बस आपको सही से अपनी रिक्वायरमेंट जाननी है कि आप किस तरफ अपनी करियर की डायरेक्शन को मोड़ना चाहते हैं। सपोज़ अगर आप क्लाउड करना चाहते हैं तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा आप कौन से CSP की तरफ जाएंगे, AWS की तरफ जाएंगे, Azure की तरफ जाएंगे, उसके बाद आपको कौन कौन से सर्टिफिकेशंस को फेज मैनर में करना है, तो आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मामले में बेंच पीरियड बहुत ही सही रहता है। तो मैंने ओवरऑल तो आपको पूरा ज्ञान दे दिया कि बेंच पीरियड में क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि बेंच पीरियड में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ज़रूरी नहीं आपको फिक्स कंपोनेंट भी मिले, क्योंकि आई हैव सीन इंस्टेंसेस वेयर लोगों का अल्टीमेटिक्स ब्लॉक कर देते हैं अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए बेंच पीरियड में हो तो। जैसे कि अगर मैंने देखा है कि अगर 3-4 महीने के लिए एक एम्प्लॉई अगर बेंच में है तो और उसको इंटरव्यूज़ की कॉल्स भी आ रही हैं और वो जानबूझ के प्रोजेक्ट्स को मना कर रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उस मामले में क्या होता है, RMG जो होता है वो आपका अल्टीमेटिक्स भी ब्लॉक कर सकता है। उससे क्या होगा, आप टाइम शीट नहीं भर पाओगे, और अगर आप टाइम शीट नहीं भर पाओगे तो आपको आपकी सैलरी क्रेडिट नहीं होगी, आपका लॉस ऑफ पे हो जाएगा। तो एक चीज़ तो ये मैंने देखी है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने देखा है कि यार एक कॉन्स्टेंट एक मेंटल प्रेशर बना रहता है, ठीक है। RMG आपको फोर्स कर रहा होता है कि हर दिन आप ऑफिस में आके मेरे को रिपोर्ट करो, और RMG ने एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा होता है आपको रिपोर्ट करने का। तो सपोज़ अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो, घर से बाहर, तो आपके लिए आसान है कि आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, ऑफिस के पास रह रहे हो। पर अगर आप ऑफिस के दूर रह रहे हो तो सिर्फ आपको उस 15 मिनट की मीटिंग के लिए RMG के साथ आपको इतना दूर से ट्रैवल करके आना पड़ेगा, तो एक बुरी बात तो ये भी होती है, ठीक है। और तीसरी बात ये होती है कि सपोज़ अगर आपका जो भी एंड में परफॉर्मेंस पे होता है, अगर आप ज़्यादा देर के लिए किसी प्रोजेक्ट में नहीं रहते हो, अगर आप RMG के अंडर रहते हो और आप सपोज़ आपने 7-8 महीने साल के प्रोजेक्ट में नहीं रहे और आप लास्ट के 3 महीने में आए, तो आप उस कैलिबर में काम नहीं कर पाओगे और आप अपने मैनेजर को परसुएड नहीं कर पाओगे किसी भी तरह बताने के लिए कि आप एक अच्छा बैंड डिज़र्व करते हो। तो ये भी एक नेगेटिव में ही मैं बोलूँगा, ठीक है। और यार आजकल जो भी लोग TCS में काम कर रहे हैं अभी, वो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। मैंने अपने एक फ्रेंड से सुना जो कि TCS में HR ही है, मैंने उससे सुना कि दे आर सेंडिंग सम डिक्लेरेशन टू द एम्प्लॉयज़ जो ज़्यादा देर बेंच में हैं, सपोज़ 3-4 महीने या उससे भी ज़्यादा, या सबको ही भेज रहे हैं कि दे आर आस्किंग देम टू साइन ऑन अ डिक्लेरेशन जिसमें लिखा हुआ है कि irrespective of the location, irrespective of your skills, जहाँ पर भी आपको requirement में आपको tag किया जाता है, you have to move to that place and you have to work in that project. तो आप मुझे बताइएगा कि ये सही बात है या नहीं है। और मुझे LinkedIn में एक बंदे ने, मैं उसका नाम रिवील नहीं करूँगा, उसने मेरे को ये भी बताया कि RMG is asking them to relocate from Delhi to Pune, ठीक है। तो देखो ये सुनने में तो बहुत ही आसान लगता है, relocating from Delhi to Pune, पर असलियत में एक नई सिटी में रिलोकेट होना बहुत ही एक मुश्किल बात होती है, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आपकी कितनी सेविंग्स हो रही हैं, आपका किराया बच रहा है, आपका ट्रैवलिंग, आपका बिजली का एक्सपेंस बच रहा है और आपके ग्रॉसरी का एक्सपेंस बच रहा है जो आप सिंगल में करते हैं। और अगर आप
पुणे जाके रेंट में रहोगे तो आपका दुगना ही खर्चा होगा, आप कुछ सेविंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हो रही हैं जो कि मेरे सुनने में आई है, बट आई डोंट नो कि क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल दी बेस्ट, जो भी TCS में अपना करियर परस्यू कर रहे हैं, देखो बहुत अच्छी कंपनी है पर आपके करियर की डायरेक्शन आपके हाथ में नहीं है। तो आई वुड से कि आप ज़रा खुद को अपस्किल करिए और आप ज़रा खुद की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। ये नहीं कि बेंच पीरियड में हो तो यार मज़े ले रहे हो, आ रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बस ऐसे ही कर रहे हो, ठीक है। इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको एक दो हफ्ता चलता है, एक दिन दो दिन चलता है, पर अगर आप 5-6 महीने अगर आपका यही एक कॉन्स्टेंट रूटीन है तो आपके लिए बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो प्लीज़ खुद को अपस्किल कीजिए, खुद को एक नई डायरेक्शन दीजिए, खुद के करियर को एक नई डायरेक्शन दीजिए। अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वो कीजिए और आपके लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जो कि थी TCS की बेंच पॉलिसी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 829 सब्सक्राइबर्स हैं। आई वॉन्ट टू रीच टू दैट माइलस्टोन जो कि 1000 सब्सक्राइबर्स का। मेहनत तो जारी है एंड आई होप आप लोगों का सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं जल्दी आपके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा। जल्दी क्या, इस वीडियो के बाद ही मैं कुछ वीडियो सोचूंगा बनाने की, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ एक दिन में 2 वीडियो बना लूँ महीने की, क्योंकि ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता, ठीक है। तो चलो ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।